सर आज कुछ कोटा से बच्चे आए हैं सर, तो वो किस किस जगह रखे जाएंगे, मेडिकल चेकअप वगैरह क्या सर व्यवस्था की जा रही है? और ये जनपद में दो तरफ से कोटा से बच्चे आ रहे हैं, एक तो झांसी साइड से, दूसरा आगरा साइड से। ये दोनों जगह के बच्चे हम पहले ले जा रहे हैं इनको औरैया में जालौन रोड पे ईशा गार्डन पे, वहाँ इनको इनकी पहले स्क्रीनिंग होगी, इनको किट से इनका चेकअप किया जाएगा, उसके पश्चात ही ये घर पे जाएंगे। अभी तक औरैया में इस तरह से कुल 17 बच्चे आए हैं और आगरा साइड से भी 5 बच्चे और आ गए हैं। इनकी संख्या भी रात में और बढ़ेगी और सभी को चेकअप के पश्चात ही घर जाने की अनुमति मिलेगी। ड्राइवर साहब पता है औरैया शहर में ईशा वाटिका पे जाना है, इन बच्चों को वहाँ उतारना है, वही इनका मेडिकल चेकअप होगा। ठीक है, उसके बाद ये कल वहाँ से आप इनको वहाँ उतार करके और फिर वहाँ से निकलना। ठीक है, कहाँ है औरैया के बच्चे, कहाँ है भाई, जरा नीचे आओ, तो नीचे आओ, नीचे आओ औरैया में, जरा एक मिनट आ जाओ बच्चों, कहाँ से हो बेटा? करना ये होगा, आप औरैया शहर पे जाएंगे, जालौन चौराहे से जालौन रोड पे जाइए, ईशा वाटिका है, देख रहे हैं ईशा वाटिका, ये 6 बच्चे वहाँ उतरेंगे ईशा वाटिका। ठीक है, और फिर आपका कम नौ जाना है, तो फिर आपका नौ जाना, इसमें कांस्टेबल बैठा है, बैठे हुए, उनका नंबर कहाँ है, जरा कांस्टेबल बुला लो, आ जाएगा तब, आप कल शाम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कहाँ से हो? 5 लोग, कुछ 5 लोग है। अच्छा, ऐसा है, अभी आप लोग यहाँ से औरैया में जाएंगे, वहाँ ईशा वाटिका है जालौन रोड पे, वहाँ उतरेंगे, वहाँ एक किट आएगी, उससे टेस्ट होने के बाद ही आप घर जाएंगे। तो अगर घर के लोग आए हो तो उनको बता दीजिए, मना कर दीजिए कि अभी आज आप जा नहीं पाएंगे, आज कल जाएंगे। और यहाँ कितने लोग हैं? और अजीत मल का चल।